जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत मत बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम रोजाना स्वतः 4 बजे आते हैं कुछ ऐसे विषय के साथ में जो बहुत ही संवेदनशील होते हैं और जिस पर आप पक्ष और विपक्ष दोनों पहलुओं को समझना चाहते और हैं। आज का तो बड़ा सवाल, बड़ा मुद्दा यही है, नागरिकता संशोधन बिल। तो सवाल सिटीजनशिप का, और ऐसे में कौन होगा उन शरणार्थियों में से भारत का नागरिक और कौन नहीं होगा, और इसके लिए अल्पसंख्यक समुदाय, गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक जो 3 देशों में रहे उनको नागरिकता देने के लिए जो प्रावधान आज बिल पेश किया जा रहा था उस पर हंगामा बहुत हुआ, तीखी बहस भी खूब हुई पार्लियामेंट के। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है। आर्टिकल 14 को यह बिल आहत नहीं करता है। लोकसभा में भारी हंगामे के बीच नागरिकता संशोधन बिल पेश किया गया। बिल को लेकर लोकसभा में सरकार और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। विपक्ष बिल को संविधान के खिलाफ बता रहा है। एंड इन दिस सब्सिक्वेंट स्टेजेस अनिरंजन जी एक मिनट मेरा है ना, आपको पूरा भाषण सर माइंड सर कुछ वक्त पहले सर अरे आप कुछ नहीं जानते हो। लोकसभा में जब बिल को पेश करने के लिए वोटिंग हुई तो विपक्ष के सारे मंसूबों पर पानी फिर गया, क्योंकि बिल के पक्ष में 293 वोट पड़े और विपक्ष में सिर्फ 82 वोट पड़े। इससे पहले कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिल को लेकर कह रहे थे कि आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। लोकसभा में जब बिल पेश किया गया तो नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने सरकार पर जबरदस्त हमला किया। इस दौरान अमित शाह के साथ उनकी तीखी नोकझोंक भी हुई। दिस इज ए रिग्रेसिव लेजिस्लेशन, इट इज नथिंग but a targeted legislation against the minority people of our country. वहीं AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल का विरोध करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बिल मुसलमानों के खिलाफ है। पहली बात यह है कि सेकुलरिज्म इस मुल्क का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, केशवानंद भारती में कहा गया, आर्टिकल 14 में कहा गया। दूसरा, ये एक्ट हम इसलिए मुखालिफत कर रहे हैं क्योंकि यह फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, आर्बिट्री नेचर है, शायरा बानो में और नफ्ते जोहर में से जिक्र है। तीसरा सर, वो माई केशवन भारती है। चौथा, हमारे मुल्क में सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट सिंगल है और आप ये बिल लाकर सर्बानंद सोनोवाल सुप्रीम कोर्ट केस का वायलेशन कर रहे हैं। पांचवा सर, चकमा को हमने सुप्रीम कोर्ट का केस है, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट का केस है कि चकमा केस में चकमा को अरुणाचल प्रदेश में रहने की इजाजत है बगैर आयल परमिट के। आखिरी पॉइंट, मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं कि इस मुल्क में ऐसे कानून से बचा लीजिए। इसके बाद अमित शाह ने कमान संभाली और कहा कि वो बिल पर पूछे गए एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर धर्म के आधार पर देश का विभाजन करने का आरोप लगाया। इस दौरान वो बेहद गुस्से में भी नजर आए। मान्यवर, अब ये इतना बोल रहे हैं मैं कह दूं, ये बिल की जरूरत क्यों पड़ी है? जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो ये बिल की जरूरत न पड़ती। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है, हमने नहीं किया है। विभाजन कांग्रेस पार्टी ने किया, मान्यवर उनको सुनना पड़ेगा, ये इतिहास है, इसको सुनना पड़ेगा। बिल को विपक्ष मुस्लिम विरोधी बता रहा है, सड़क से लेकर संसद तक बिल का विरोध हो रहा है, तो वहीं सरकार किसी भी हालत में बिल को पास करवाना चाहती है। लोकसभा में तो बिल पास होने की सरकार को पूरी उम्मीद है, लेकिन राज्यसभा में बिल अटक सकता है।
R9 TV ब्यूरो रिपोर्ट। तो ये तीखी नोकझोंक बहस जो कि पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा के अंदर श्वेता चल रही थी, मगर सवाल इस बात का कि इस बिल को लेकर के इतना हंगामा क्यों है। अगर सरकार की मंशा साफ है, सरकार सही तरीके से इसे लाना चाहती है जो कि संविधान का वायलेशन नहीं है, तो फिर विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है। इस हंगामे आर्टिकल 14 पे ही तो आपत्ति है। आर्टिकल 14 संविधान का यही कहता है जब्बार कि धर्म के आधार पर हम नागरिकता नहीं दे सकते। और इसमें आप जो बता रहे हैं कि जो हमारे ये तीन पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और अफगानिस्तान, इसमें जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ जिस तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्हें अपने धर्म का अनुपालन नहीं करने दिया जा रहा है, तो हम उनको तो हम उनके लिए 6 साल कर दे रहे हैं, उनको नागरिकता बिना कागज के मिल जाएगी। मगर अमित शाह ने यह भी कहा कि अगर ऐसा है तो फिर अल्पसंख्यकों के लिए अलग से रिजर्वेशन, अल्पसंख्यकों के लिए अलग से फैसिलिटी कहां होती है। समानता का, नागरिकों के लिए समान कानून का अधिकार हर जगह थोड़ी लागू होगा। माइनॉरिटी को फिर आप कोई फायदा मत दीजिए। सबसे पहले समझना होगा जब्बार की ये सिटीजनशिप बिल अभी जो अमेंडमेंट्स इसमें किए जा रहे हैं इसकी जरूरत क्या पड़ी, ये हमें समझना होगा। 1955 अगर हम एक्ट में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 11 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो अधिकार देता है कि संसद में बैठे लोग जो है नागरिकता को ध्यान में रखते हुए और देश के नागरिकों के हितों को की रक्षा करने के लिए वो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 11 अगर ये कहता है तो आर्टिकल 14 भी ये कहता है कि धर्म के आधार पर आप नागरिकता नहीं दे सकते। यानी कि दोनों तरह का प्रावधान संविधान के अंदर है ना, तो किया गया। तो बात है 1955 एक्ट बनाया गया होना चाहिए, लेकिन संशोधन क्यों, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब देखिए इसके पीछे मकसद समझिए, अगर हम अभी पूर्वोत्तर के राज्यों को देख ले, खास करके असम से विरोध हो रहा है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर बांग्लादेशी हिंदू जो है वहां आके रह रहे हैं 1971 के बाद। ये खुद 1985 असम का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसमें यह है कि 1971 के बाद जो भी आए हैं बांग्लादेशी उन्हें निर्वासित किया जाएगा। अब उन्हें बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है जब्बार, आप बताइए। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को पूर्वोत्तर के राज्यों में 18 सीटें मिली हैं, सरकार की मंशा को लेकर के आप सवाल पैदा कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम ये विपक्ष और आप भी इस वक्त मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर रहे हैं, विपक्ष के साथ में खड़े होकर के सुर में सुर मिलाने का काम कर रहे हैं। तो वो पॉइंट्स रख रही हूं जो जहन में है, इसकी जरूरत क्या, चलिए आप बता दीजिए इसकी जरूरत क्या आन पड़ी, इसकी जरूरत देश एक सेकुलर मुल्क है, ठीक है, सेक्युलर कंट्री है, ठीक है, लेकिन अमन शांति के साथ में सभी को शांति के साथ में रहने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर धर्म के आधार पर, अगर धर्म के आधार पर बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में अगर उनके साथ ज्यादती हो रही है, और अगर नहीं, यकीनन वहां पर ज्यादती हो रही है, कितनी सारी ऐसी घटनाएं आई हैं जिसकी रिपोर्टिंग और जिसको आपने भी टीवी के जरिए से दर्शकों तक पहुंचाई है खबरें, तो वहां पर अगर ये चीजें हो रही है, आपको आज हवाला दिया पार्लियामेंट के अंदर अमित शाह ने कहा कि नेहरू और लियाकत अली के बीच में एक समझौता हुआ था माइनॉरिटी को लेकर के, कि माइनॉरिटीज को कहीं भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, दोनों माइनॉरिटीज, दोनों जगहों पर माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा की जाएगी, तो फिर पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया। तो जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर सका, बांग्लादेश नहीं कर सका, तो भारत तो अपनी चीजों को आधार बना करके तो करेगा। कहा जा रहा है कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है, समझना पड़ेगा। पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं जो 2019 में इलेक्शन हुआ, इसके पहले अगर हम जाएं तो आंकड़े कुछ और कहते थे, लेकिन 25 संसद की सीट आती है जिसमें से 18 बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को इस बार मिला है। अब देखिए असम में सबसे ज्यादा तादाद ऐसे हिंदुओं की है जो बांग्लादेश से आकर रह रहे हैं और सरकार नहीं चाहती है। देश का बंटवारा नहीं करती तो पाकिस्तान ने तो माना कि वो धर्म के आधार पर हुआ और वो मुसलमान कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, सबको ही जान रहा है पाकिस्तान को, लेकिन उस समय भी भारत ने अपनी सेक्युलर छवि को बरकरार रखा। क्या धर्म के आधार पर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ ना, देखिए
धर्म के आधार पर ये कह रहे हैं कि अमित शाह ने कहा ना इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी भारत में कौन रहना चाहता है ये डिसाइड करे। इसकी जिम्मेदार तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस आज सवाल उठाएगी तो कांग्रेस को उस कड़वी हकीकत से भी रूबरू होना पड़ेगा। अमित शाह ने आने दिखा दिया जिम्मेदार नहीं है। ये डिवाइड एंड रूल आप भी जानते हैं, अगर इसके तहत तक जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरीके से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत अंग्रेज ने ही ये फूट डाल दी थी। हालांकि कौन जिम्मेदार कौन नहीं अब हम नहीं, लेकिन अभी क्योंकि ये बिल आया है तो जरूरत पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि 25 सीटों में से आपको 18 सीटें मिल चुकी है। आप विरोध होने के बाद भी असम में देखिए कि जो पार्टी विरोध में भी है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो वहां के वो कह रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिल रहा है। बिल के प्रावधान को लेकर कहीं ना कहीं अपनी राजनीति साधने की कोशिश की जा रही है। कैसे राजनीति करने का आरोप आप उस वक्त लगाइएगा जब इस बिल को पूरे तौर पर इसके ड्राफ्ट को पब्लिकली कर दिया जाएगा, इस पर चर्चा होगी। क्या उन लोगों को जिनको नागरिकता देने के लिए इस नागरिकता संशोधन बिल में इसमें संशोधन किया जा रहा है इस कानून के अंदर, उनको वोटिंग राइट होगा? क्या उनको वोट करने का अख्तियार देगी अब ये इस कानून के तहत मिलेगा? अभी तो उस बात पर क्लैरिटी नहीं है, तो फिर सरकार को या बीजेपी को कहां से फायदा होगा? गैर मुस्लिम कहां से फायदा होगा? आ रही है ये गैर मुस्लिम का जो बार बार जिक्र किया जा रहा है, ये क्या किस छवि को दर्शाता है? जब ये यही आप समझा दीजिए। ठीक है, ये आपकी आपकी वोट बैंक पॉलिटिक्स, आपकी छवि, हिंदुत्व का जो एजेंडा आप लेके जाए। अब देखिए शिवसेना सुबह से क्या क्लियर हो रही थी इमेज, शिवसेना साथ में है नहीं है, साथ में है नहीं है, और वोटिंग हुई तो कौन साथ में आया वो तो। हालांकि शिवसेना अभी भी पशुपेश में, उसने कहा कि ये जो अमेंडमेंट बिल में लाया जा रहा है इस बिल को लाया जाना चाहिए, हम उसके सपोर्ट में खिलाफ नहीं, लेकिन क्या उस बिल को पास करने के लिए राज्यसभा में शिवसेना सरकार का साथ देगी? अभी इस पे संशय बना हुआ है। लेकिन हम अगर इस बात को देखें, बहुत ही क्लियर है ये बिल, बहुत ही क्लियर अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है। अमित शाह ने कहा कि शून्य 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 प्रतिशत शून्य परसेंट भी इस पूरे मामले में कहीं से अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ में कोई ज्यादा नहीं है। ये कौन सी बात हो गई? क्या ये जरूरी है? आपको चुना देश के कानून बनने से लेकर किसी भी तरह की किसी भी प्रक्रिया में हर चीज में माइनॉरिटीज मुस्लिम्स को लाया जाए मुस्लिम का जिक्र हो? मेरा तो सिर्फ और सिर्फ ये कहना है कि मुस्लिम को क्यों हटाया जाए। मैं कह रहा हूँ कहाँ ये कहा गया कि मुस्लिम्स को इसमें हटाया जा रहा है? मुस्लिमों का तो जिक्र ही नहीं है, जिक्र नहीं है मुस्लिमों का, तो ये जिक्र नहीं है, क्लियर नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप अपने दफ्तर के राजनाथ सिंह ने इस बात को क्लियर नहीं किया। ठीक है, देखिए गोलमेल जब सरकार, सुनिए ना, उसको नहीं होता जवाब तो लीजिए, गोलमेल जवाब लीजिए ना। मैं कह रहा हूँ आप अपने दफ्तर के तीसरे ग्रेड के कर्मचारियों को अगर कोई बड़ा तोहफा दे रहे हैं, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा मत, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ए ग्रेड वालों के साथ में ज्यादती हो रही है। भाई साहब, आप किसी की सैलरी कम है, सी ग्रेड के लोगों को जो जो क्लासिफिकेशन है नौकरियों का, उस ग्रेड के लोगों को अगर आप थोड़ा सा कुछ बेहतर कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ी कि ए ग्रेड वालों के साथ में आप ज्यादती कर रहे हैं। मुसलमानों के साथ ज्यादती इसमें का टेक्निकली गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर ये प्रावधान होता कि सबको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आप जिस संस्था की बात कर रहे हैं वो संस्था भारत में है, और यहाँ बात भारत की नहीं हो रही है, भारत के बाहर के नागरिकों की बात हो रही है। आप भारत भारत के अंदर देख लीजिए ना, हिंदुओं को देखिए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कितनी बार ये मुद्दा उठा, बांग्लादेश कितनी बार ये मुद्दा उठा कि धर्म परिवर्तन, हम भारत से बांग्लादेश अलग तो 1947 में हुआ ना, पाकिस्तान अलग हुआ, वो भी पाकिस्तान जो बांग्लादेश 1971 में बना। मैं ये नहीं कह रही, नहीं अब मैं ये नहीं कह रही, आप संविधान जब से बना उसको फॉलो करेंगे ना? हमारा संविधान जब से बना 1950 से हम फॉलो करेंगे, संविधान के तहत उसी संविधान के आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं है, नहीं उल्लंघन, उसी आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। कैसे नहीं उल्लंघन है? कैसे नहीं उल्लंघन है? 0.00% कानून के जानकार भी बता देंगे, कानून की जानकारी ये कहते हैं, अमेंडमेंट की जरूरत क्या थी? आप देखिए, गिलास को आधा खाली आधा भरा के पैमाने पर मत नापिए। ये तो फिर आप भी करेक्ट, मैं भी करेक्ट, अपनी जगह पर दे रहा हूं ना। संविधान का उल्लंघन उस वक्त होता जब जब इन मुस्लिम माइनॉरिटीज को भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अंदर वहां अत्याचार सहना पड़ता धर्म के आधार पर। आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें नहीं सहना नहीं हो रहा है? कैसे हो सकता है? मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान से ही एक, ये पिछली बार भी हमने बात की थी कि एक बंदे आए थे और वो नहीं वो बकायदा सेना में वहां काम करते हैं और उनकी मिसेज यहां की थी, और वो बार बार शरणार्थी के तौर पर ये बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या हमें शरण में लेंगे। तो ऐसे कई देखिए आपत्ति यही उठ रही है कि कई ऐसे आपकी तब है जब इसको खारिज कर दिया जाए। मैं तो आज अमित शाह ने कहा कि ये कानून जो बन रहा है
ये कानून सिर्फ गैर मुस्लिम माइनॉरिटीज कम्युनिटीज के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कानून से हट करके ये जो मुस्लिम कानून जो बन रहा है वो मुस्लिम आज इसलिए जरूरत है क्योंकि आपको कहीं ना कहीं नहीं, पूर्वोत्तर नहीं, में अपनी राजनीति जो है वो साधने की कोशिश करनी है। और ये आप देख रहे हैं कि 25 में से 18 सीट आप जीत चुके हैं और असम में एनी हाउ चुनावी बहस एक अलग हो गई। नहीं नहीं, चुनावी बहस यही है, ये वजह ही यही है। देखिए आप हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं, आप हिंदुत्व का एजेंडा लेके चल रहे हैं। कोई भी मुस्लिम शख्स पाकिस्तान का कोई भी मुस्लिम एक सेकंड, आप उस बात को यहां पे ये बात नहीं मान सकते, आप मत मानिए, दर्शकों को इस बात का फैसला लेना चाहिए। 1955 का अमेंडमेंट जो था वो काफी था नागरिकता को डिसाइड करने के लिए, ये हमारे जैसे इसमें सिर्फ अवधि कम की जा रही है, ये बाहर के लोगों के लिए सिर्फ अवधि कम की जा रही है, अवधि कम की जा रही है, 6 साल की उस अवधि को किया जा रहा है जो कि 11 साल की थी। दो चश्मे से तो मत देखिए, दो चश्मे से नहीं, दो चश्मे से मत देखिए। अगर कोई पाकिस्तान का मुस्लिम शख्स अफगानिस्तान बांग्लादेश देश का कोई मुस्लिम आता है भारत में यहां के कानून के हिसाब से या जो प्रोसीजर है उसको करके वो नागरिकता चाहता है नहीं, तो ये नहीं है, अभी भी 11 साल तो है, ये नहीं है, नहीं, नहीं, तो ये नहीं है कि उसको नागरिकता नहीं मिल सकती है। अमित शाह ने कहा कि उसको नागरिकता हम दे सकते हैं, भारत विचार कर सकता है उस पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। महीन रेखा है, आप देखिए, आप धर्म परिवर्तन की बात करते हैं, इंडिया में ही कह रहे हैं ना कि कई ऐसे ईसाई हैं या कई ऐसे चर्च हैं जो धर्म परिवर्तन कराते हैं और हम घर वापसी जैसे कार्यक्रम आप चला रहे हैं, तो जब आप अपने यहाँ के हिंदुओं को रोक नहीं पा रहे हो किसी और धर्म में जाने से, घर वापसी की बात कर रहे हो और आप चले दूसरे देश के लोगों को शरण देने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स नहीं, तो क्या है? सिर्फ कहने के लिए वोट बैंक पॉलिटिक्स है, एक बड़ा तबका है 70 वर्ष पूर्व वोट करेगा। पाकिस्तान बांग्लादेश मौजूदा वक्त जो जो आजादी के वक्त हुआ था ना, जब वो अब कर रही है बीजेपी, आप बार बार कांग्रेस ने उस वक्त जो भी किया वहां पर सीमा पर बहुत सारे ऐसे हैं जो भारतीय रहते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो भारत में आना चाहते हैं। आज अमित शाह कह रहे हैं ना कि जब बंटवारा हुआ उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर कर दिया, क्या गलत कह दिया? आज आप भी क्या गलत कह दिया? आप भी क्या गलत कह दिया? आने वाले 10 साल 15 साल कह दिया जब परिस्थितियां बदलेंगी, सिर्फ अंग्रेजों के चाहने भर से ये पार्टीशन हो जाता मुमकिन था क्या? सिर्फ अंग्रेज ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया दो अलग अलग राज्य बन जाए, पाकिस्तान को धर्म के आधार पर बन जाए, तो कह रही हूं क्या ऐसा हो जाता? नहीं संभव था, बिल्कुल भी संभव नहीं था, कहीं से दूर दूर तक संभव नहीं था, जब तक भारतीय राजनेताओं ने और उस वक्त बैठे हुए जितने भी लोग हो, चाहे सरदार पटेल रहे हो, गांधी रहे, हालांकि उसका विरोध भी खूब हुआ, लेकिन हुआ ना, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि सिर्फ अंग्रेजों ने ही यह पार्टीशन करा दिया। मानना ना मानना तो भारतीयों के ऊपर में था, उस वक्त जो हमारी लीडरशिप थी उनको इस बात पर फैसला लेना था, तो मगर मेरा कंसर्न जो लीडरशिप थी उनको फैसला लेना था, आज आप उन्हें गलत ठहरा रहे हो। तो यही अमित शाह जो आज फैसला ले रहे हैं, आज विपक्ष में कांग्रेस बैठी है और यही आप कैसे कह सकते हैं आने वाले 10-15-20-25 साल के बाद या 50 साल के बाद इसी अमेंडमेंट को लेकर उठेगा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, ये क्योंकि आप सत्ता पक्ष में बैठे हो, 2016 में भी तो आप लेकर आए थे, 2016 में क्या हुआ, आप राज्यसभा में पास नहीं करा पाए, आपके पास नंबर नहीं थे। अगर इतना ही सही है ये विधेयक तो क्यों नहीं आप सारी पार्टियों को साथ लेके चल रहे हैं, क्यों नहीं? 1971 के वक्त में भी इंदिरा गांधी ने एक ऐसा ही बनाया था कि जो भी बांग्लादेश से आए शरणार्थी उनको नागरिकता दे दी जाएगी। सवाल यह है कि आज अमित शाह ने कहा कि साहब अगर बुनियाद आपने ही डाले होते तो आज हमें इस अमेंडमेंट बिल की जरूरत नहीं पड़ रही होती, और अगर कोई पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से कोई मुसलमान भी प्रताड़ित होकर के आता है तो भारत ऐसा नहीं कहता कि साहब हम आपको नागरिकता नहीं दे सकते, ऐसा प्रावधान नहीं है, भारत उस पर विचार करेगा, भारत उनको नागरिकता दे सकता है। कई सारे ऐसे लोग हैं ऑलरेडी, नागरिकता देने का प्रावधान था तो इसे लाने की जरूरत नहीं थी। देखिए अदनान सामी भारत में रहने के लिए, जब बार ये पहला केस नहीं होने वाला, पाकिस्तानी सिंगर अदनान सामी बिल इंट्रोड्यूस वैसा नहीं कर रहे, आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, आप अमेंडमेंट ला रहे हैं, इस अमेंडमेंट की मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी, इसके पहले भी ये लॉ थे, तो आप ये अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ आप अपना कहीं ना कहीं राजनीति जो है उसे साधने की कोशिश कर रहे हैं, पूर्वोत्तर को एक ही तीर चलाकर आप पूरे पूर्वोत्तर को साधने की कोशिश आप एक बात बताइए, पिछले ही दिनों, पिछले एक साल में अगर देखें कितने सारे ऐसे केसेस आए यूट्यूब पे, वीडियो वायरल हुए जहां पर पाकिस्तान के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन कराने, किसी सिख या हिंदू लड़की से जबरन शादी करने, कराने, मजबूर करने,
क्या इस किस्म के मामले नहीं आए? क्या भारत में धर्म परिवर्तन, क्या क्या बांग्लादेश के अंदर नहीं आए? आप भूल गए जब बात यही लव जिहाद वहाँ पर मुस्लिम बहुसंख्यक है, यहाँ पे मुस्लिम वहाँ पर बहुसंख्यक है। जब बात जब हम और आप पढ़ते थे कि आज यहाँ लव जिहाद हो गया, आज वहाँ लव जिहाद हो गया, ये शब्द कहाँ से आया, फिर इसे गढ़ा किसने, फिर किस तरीके से इस पर भी बहस हुई? जब आप अपने कंट्री को संभाल नहीं पा रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को बैला फुसला करके दूसरे धर्म के लोग किसी भी तरीके से शादियां लगातार होंगी, बातें चर्चा में आएंगी, ये इतिहास गवाह होगा आज के पल का भी। आज आपने लोकसभा में पेश तो कर दिया है बिल, लेकिन राज्यसभा में फिर से गलत पहलू है। राज्यसभा में सरकार उसे पास ना करा सके या पास करा ले, अभी इसके लिए इंतजार करना होगा। अगर आप मैं मानता हूं वो प्रावधान किए होते जो तमाम पार्टियां उस पर अग्री करती कि ये आज की डिमांड है, तो ऐसे तो कोई सरकार काम नहीं करती। हर सरकार नहीं, हर सरकार अपने हिसाब से, कौन सी बात हुई हिसाब से चीजों को करती है। आपने सुना कैसे कहा उन्होंने, सारी सरकारें एक धर्म पे तो काम नहीं कर सकती ना, क्योंकि जनता ने हमें सरकार की प्राथमिकता होती है। विपक्ष को किसने चुना? तो जनता ये चाहती है, नहीं विपक्ष को किसने चुना है? तो डेमोक्रेसी में क्या है, नंबर गेम्स है ना, कि जिसके पास में ज्यादा मेजोरिटी है वो सत्ता में रहेगा। तो विपक्ष की भी तो आप सुनेंगे, उन्हें भी तो जनता ने चुना है। बिल्कुल विपक्ष की जनता ने चुना है, लेकिन देश के ज्यादातर लोग अगर चाहते हैं कि इस वक्त जो हो रहा है वो ठीक है, आप कैसे कह सकते हैं? असम के खुद के लोग कितना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, असम गण परिषद इसका प्रोटेस्ट कर रहा था। हालांकि देखिए, नंबर दिखाने के लिए और जब आपको पार्टी को सपोर्ट करना होता है तो लोग आ जाते हैं, लेकिन असम के अगर जो नागरिक है उनसे पूछिए, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद तो असम में देखने को मिल रही है बांग्लादेशों की। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें भी शर्तें हैं, उसमें भी ऐसे इलाके जो जो वहां पर आदिवासी बहुल इलाके हैं वहां पर ये चीज लागू नहीं होगी, या ऐसे इलाके जहां वहां पर रहने के लिए चीजें नहीं होंगी उसमें नहीं, ये तो अभी लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि ये अभी असम में लागू नहीं किया जाएगा। लॉलीपॉप की बात नहीं है, ऐसे इलाके जो उस कैटेगरी से बाहर है वहां पर ये चीजें लागू नहीं होंगी। सवाल घूम फिर करके वहीं पर आ जाता है। अगर आप इतनी क्लियर है ना, जब बाहर अगर इतनी क्लियर है सरकार, इतनी पारदर्शी है, तो सारी चीजों क्या पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री नहीं है ना? क्या बांग्लादेश के स्टेट का रिलीजन इस्लाम नहीं है? क्या अफगानिस्तान के स्टेट का रिलीजन इस्लाम नहीं है? उनके उनके संविधान में लिखा हुआ है। तो सवाल यह है कि वहां पर धर्म के आधार पर उनके अत्याचार मंग में क्या लिखा हुआ? अगर वो अत्याचार मंग नहीं कर सकते हैं, लिखा हुआ है अगर वो अत्याचार बंद नहीं कर सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है अमित शाह के जरिए, गृह मंत्री के जरिए ऐसे प्रावधान को लाया जाना बिल्कुल ठीक है। आर्टिकल 14 को एक्सप्लेन कीजिए। आप आज पढ़ा अधीर रंजन चौधरी जैसे लोग जब ज्यादा उछल कूद मचा रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, शायद मेरा ये शब्द अनपार्लियामेंट्री होगा, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, कि जब ज्यादा हंगामा कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, तो लोकसभा स्पीकर ने वहां पर पढ़ा कि साहब आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 15 क्या कहता है, और आर्टिकल 14 और 15 के तहत आप लोग चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन चर्चा आप दूसरे तौर पर ले जा रहे हैं, भाषण आप लोग दे रहे हैं। आर्टिकल 14 और 15 इस बात का वायलेंस नहीं करता है, इस बात को समझना होगा। नहीं, धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती, ये हमारे संविधान में है। अगर आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, इसीलिए तो अगर आप जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या संविधान के अंदर कानूनों में अमेंडमेंट नहीं किया जाता? इसीलिए किया जाता, इसीलिए तो अलग से प्रावधान बनाए जाते हैं। क्या है, बिल तो ऑलरेडी था, ठीक है, बिल तो इसीलिए अलग से प्रावधान बनाए जाते हैं। नहीं, 11 साल थे, आप इतने क्यों बेचैन हो रहे बिल बनाने के लिए, अमेंडमेंट लाने के लिए, क्यों प्रावधान क्यों बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, अब यही तो सवाल उठ रहा है, इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हर शख्स को देखिए उसकी जिंदगी का जो अधिकार अपने है, अपने नागरिकों को तो देख लीजिए, अपने नागरिकों को तो देख लीजिए। क्या यहाँ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है? बिल्कुल होता है, होता बिल्कुल होता है, साबित कर दीजिए। आप खुद कहते हैं, आप खुद कहते हैं धर्म परिवर्तन कर दिया गया, जबरदस्ती आरोप लगाना एक अलग चीज है। ये यूपी के केसेस हैं, जब हिंदुस्तान में धर्म के आधार पर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, अगर कोई करना भी चाहता तो नहीं हो पाता है, मेरा ये मानना है। इस्लामिक जितने चर्च हैं वो धर्म के वो लोगों को जाकर बहला फुसलाकर उन्हें ये कह के कि उन्हें रोजगार मिलेगा, उन्हें उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलेगा, और ये केसेस हैं, घर वापसी उनके कराने का, ये केसेस हो सकता है। ये इंडिया के धर्म के आधार पर किसी को सताया नहीं जा रहा है। कि आप माइनॉरिटी में हैं, बाबरी विध्वंस याद है, आप जैन बाबरी विध्वंस याद है, सुप्रीम कोर्ट मान रही है, बाबरी विध्वंस कहां गया? आपके खुद की चीजों को उठा दिया जा रहा है, और खुद सुप्रीम कोर्ट मान रहा है कि वो गलत है, वो जो किया गया वो गलत था। तो आपकी खुद की कंट्री में, आपके यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर पे आप जीरो, जमीनी स्तर पे आप जीरो, सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट आप
देख रहे हैं कि हमें पूर्वोत्तर के राज्यों को साधना है, 25 में से 25 चाहिए, 18 नहीं चलेगा। आपको ऐसा लगता है कि अगर विरोध करना है सरकार की नीतियों के साथ, किसी भी स्तर पर जाकर के सरकार की नीतियों का विरोध करना है। धर्म के आधार पर भारत में किसी किस्म का भेदभाव नहीं होता है, मेरा सिर्फ इतना ही कंसर्न है। कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? अगर विपक्षी दल कहते हैं कि साहब धर्म के आधार पर या मुस्लिम लीडर्स कहते हैं, हिंदू कहते हैं जनता भी स्वीकार नहीं करेगी भारत के अंदर जनता डिसाइड करने दीजिए। लेकिन हमारा यही कहना है कि सिर्फ और सिर्फ अवधि को घटाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि राज्यसभा में क्या होगा इंतजार करते हैं श्रोता तब तक। लेकिन फिलहाल वक्त घड़ी हमें इजाजत नहीं देती इस बात की इस चर्चा को आगे ले चले, इसलिए आप देखते रहिए आरएनआई टीवी। नमस्कार। जब देश का आजादी मिला तब धर्म के आधार पर विभाजन अगर कांग्रेस पार्टी न करती तो अभी की जरूरत मत।